कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का शोर शराबा, लाहौर में घर गिराए जाने पर अफजल खोकर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कब्जे की जमीनों पर बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, बनीगाला में भी कब्जा ग्रुप बैठा है। एहसन इकबाल का बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, ओगरा ने पेट्रोल 12 डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। यकम फरवरी से नई कीमतों के इतलाक का इम्कान, इस वक्त पेट्रोल फी लीटर 21 रुपए 56 पैसे लीवी आयद है। होंडा मोटरसाइकिल कंपनी आवाम की खाल उतारने लगी, एक माह में कीमत दूसरी बार बढ़ा दी गई। CD70 मोटरसाइकिल 2400 रुपए महंगा होकर 81,900 का हो गया। 125 की कीमत में 3,000 रुपए इजाफा, 1,34,000 में फरोख्त। कराची के सरकारी कॉलेजेस में कोरोना केसेस बढ़ने लगे, 150 कॉलेजेस में से सिर्फ 20 कॉलेजेस में कोरोना टेस्ट, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वायरस की तस्दीक, आइंदा हफ्ते से तलबा के टेस्ट करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई जिला में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा, यकम फरवरी को खुलने वाले तालीमी इदारे अब 15 फरवरी को खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। सैनेट इजलास में ब्रॉडशीट का तस्करा, शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट के साथ फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं। 2018 में 21.5 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, हुकूमत केस हार गई। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला कायम अली शाह की जमानत मंजूर, अदालत का 3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने और तफ्तीश में तावुन करने का हुक्म, डीजी नैब और दीगर को भी नोटिस जारी।